एंड डॉक्टर नेहा अरोड़ा, हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी सेंटर सोलापुर की ओनर, आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, स्लिप डिस्क, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। स्लिप डिस्क एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और इसका पेन इतना सीवियर होता है, इनटॉलरेबल होता है, कि पेशेंट पूरी रात सो नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, अगर ये सीवियर है तो। तो स्लिप डिस्क के एक्सरसाइजेस जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो अगर आप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम मिल जाएगा और बहुत बार आपको ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन एक्सरसाइज। इसके लिए आपको उल्टा सो जाना है फ्लोर पे या बेड पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, और पहले हमको फोरआर्म पे साइड से सपोर्ट लेना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, और थोड़ा सा ही चेस्ट का मूवमेंट करना है, क्योंकि इनिशियली पेन बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा ऊपर का मूवमेंट पेशेंट सहन नहीं कर सकता है एक्सटेंशन। तो आपको इनिशियली थोड़ा सा मूवमेंट करना है, 5 to 10 रिपीटेशंस जितना भी आपको टॉलरेट होता है कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। अब नेक्स्ट हम जब करेंगे, जब थोड़ा सा पेन कम होता है, तो धीरे धीरे हैंड्स पे आएंगे और चेस्ट को थोड़ा ज़्यादा ऊपर लेना स्टार्ट करेंगे। याद रखिए, किसी भी मूवमेंट में पेन का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपको पेन किसी के एक्सरसाइज में बढ़ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो स्टॉप, वहाँ पर ही वो एक्सरसाइज स्टॉप करना है एंड डू अनदर एक्सरसाइज। ओके, ये एक्सरसाइज सेकेंड जो है, इसके भी आप 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और जितना 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 आपका पेन कम होता है, धीरे 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 ये एक्सटेंशन ऐसे फुल बढ़ाते जाना। ओके, इसमें फिर अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी, इसमें हमको हाथ जो है, ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग बोलते हैं इसको, इसमें एक हाथ हम सीधा आगे रखेंगे और अपोजिट लेग, जैसे मैं राइट हैंड उठा रही हूँ तो अपोजिट मेरा लेफ्ट लेग ऊपर जाएगा और हेड मेरा नीचे रिलैक्स रहेगा, देखिए। और इसको 5 to 10 सेकेंड जितना भी आपको सहन होता है होल्ड करना है, रिलैक्स करना है, होल्ड करना है, रिलैक्स करना है। सेम वे आप अपोजिट साइड भी ये रिपीट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको रिलैक्स हो जाना है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और हिप एक्सटेंशन करना है, सिर्फ आपके हिप को, पूरे पैर को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर उठाना है, सिंगल लेग एट ए टाइम। पहले एक पैर ऊपर उठाना है, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, रिलैक्स करना है, ऊपर लेना है, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, रिलैक्स करना है। सेम आप अपोजिट साइड भी कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक चू बताने वाली हूँ, ध्यान रखिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पोजिशनिंग फॉर स्लिप डिस्क पेशेंट। इसके लिए समझिए, आपको राइट साइड पेन है, स्लिप डिस्क का पेशेंट है, उसको राइट साइड पेन है और राइट साइड के लेग में पेन आ रहा है, तो क्या करना है, उल्टा सोना है और पूरा हिप, पेल्विस से लेकर हिप, राइट साइड पूरा शिफ्ट करना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बॉडी ऐसे क्रॉस आ जाएगी, मतलब यहाँ हम क्लोज कर रहे हैं डिस्क को। अब यूजुअली जिस साइड पेन रहता है डिस्क, उसी साइड बाहर आती है, तो मैं उल्टा सो रही हूँ और राइट साइड अपने दोनों पैर ले रही हूँ, आपको पूरे सपोर्टेड रखने हैं पैर, और इस पोजीशन को हम 5 to 10 मिनट्स जितना भी टॉलरेट होता है मेंटेन करेंगे, तो धीरे धीरे डिस्क अंदर जाएगी और पेन कम होगा। दिस इज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। किसी को सीवियर पेन है तो वो डायरेक्टली इस पोजिशन से भी स्टार्ट कर सकता है, और उसके साथ ही आप इसको डायनेमिक बनाने के लिए धीरे धीरे ऐसी पोजिशन में चेस्ट मूवमेंट्स, चेस्ट एक्सटेंशन ऐड करेंगे। ओके, तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी बैक के मसल्स की और पेन भी कम होगा। नाउ स्विचिंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको ऑल फोर पोजीशन पे आना है, दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स पे आना है। ओके, लेग्स में थोड़ा नीज अपार्ट चाहिए और जो हमारे हैंड्स हैं, रिस्ट है, वो शोल्डर के नीचे चाहिए। ओके, और इसमें आपको क्या करना है, कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, मतलब कमर को अंदर लेना है, पेट पूरा नीचे लेना है, कि ऐसे खड्डा बनना चाहिए लाइक अ कैट, एंड देन आपको 5 सेकेंड्स होल्ड करना है,
फिर ये ऊपर लेना है जितना ले सकते हैं, लाइक अ कैंडल। हम निकलना चाहिए आपके बैग से एंड फिर नीचे लेना है, पूरा डिप करना है लाइक अ कैट पेलिसिंग एंड लाइक अ कैंडल। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसी पोजीशन में है। ये सब मैं आगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बताती जा रही हूँ, इससे और ज़्यादा पेन कम होगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसमें अभी आपको समझिए, जैसे मैंने उल्टा सो के लिया था उसी तरह ये ऑल फोर पोजीशन में है। इफ़ मैं राइट हैंड ऊपर उठा रही हूँ तो मुझे लेफ्ट लेग ऊपर उठाना है और सामने देखते हुए इस पोजीशन को बैलेंस करना है। जितनी भी देर आप कंफर्टेबल हैं उतनी देर कर सकते हैं और फिर नीचे लेना है 5 to 10 seconds, 2 seconds, 3 seconds, anything will do। और अगर आप नहीं भी होल्ड कर सकते तो भी चलेगा। You have to repeat on both sides and try to balance with your back, with your pelvis. This will make your muscles very much stronger. ठीक है, तो this was the exercise. जो next exercise है वो मैं आपको standing में बता रही हूँ। आपको पूरा सीधा खड़ा हो जाना है and then आपको दोनों अपने हाथ pelvis पे रखने हैं इस तरह से कि ये pelvis हमारी आगे push करनी है, आगे जानी चाहिए, और साथ में आपकी बैक पीछे लेनी है जितना आपको सहन होता है और पेन फ्री है, पीछे लेते जाना है और आगे लेना है। अगर आप याद रखिए, अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह का पेन हो रहा है तो ये एक्सरसाइज स्टॉप करनी है इमीडिएटली एंड डोंट डू इट, डू अनदर एक्सरसाइज और कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है, तो ये थे स्लिप डिस्क के एक्सरसाइजेस। और याद रखिए, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताए हैं उसी सीक्वेंस में एक्सरसाइज प्रोग्रेस होते हैं। मतलब अगर आपको बहुत सीवियर पेन है तो आप सिर्फ उल्टा सोएंगे और जो मैंने पोजीशनिंग बताई वो फॉलो करेंगे और आपका पेन जैसे 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 कम होता जाता है वैसे वैसे जैसे मैंने ये स्टेप्स में बताई एक्सरसाइज वो स्टेप्स आपको इंक्रीज करते जाने हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ लगेगा। ज़रूर ये एक्सरसाइजेस ट्राई करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स फैमिली से भी शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल जिसकी लिंक नीचे दी हुई है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।